अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि कद्दू गोश्त कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो कद्दू, आधा किलो चिकन, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यूज़ किया है। 1 बड़ी प्याज मैंने यहाँ पे इसमें ऐड की है, 2 टमाटर, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 8 ग्रीन चिली। 1 प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, इसमें मैं ये सारे कद्दू जो मैंने कट कर लिए थे डाल दूंगी, आधा किलो चिकन, 1 बड़ी प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्च, हल्दी, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट और थोड़ा सा पानी ऐड करके और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के मैं इसका प्रेशर लगा दूंगी। तकरीबन 10 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया था, अब मैं उसके बाद मैंने इसकी सीटी उतार दी, अब मैं इसका ढक्कन उतार दूंगी। ये तकरीबन गल चुका है। प्रेशर उतारने के बाद इसका देखें, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी, तब तक पानी खुश्क हो जाएगा और सालन भी बनके तैयार हो जाएगा। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऑयल के ऐड किए थे, पानी खुश्क हो गया था और सालन तकरीबन तैयार हो चुका है। कद्दू गोश्त का सालन बन के तैयार है, तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे तैयार करने में लगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।